नाजरन, हम इवेंट में आए हुए हैं तो वहाँ हमें शकील साहब मिल गए हैं और बहुत सारे दोस्त हैं, उनमें शकील साहब भी हैं। तो शकील साहब से पूछते हैं कि आपने कैसे, आपको क्या लेके आपने जरूरी समझा कि मैं इस इवेंट में आऊँ, और कैसे बताइएगा। सर जी, मैंने पहले भी, इससे पहले दो आपके सामने इवेंट हुए थे, उनमें भी गए थे माशाल्लाह। तो हमारी बड़ी एक छोटी सी बैठक हुई थी, यानी कि पहली बैठक में तकरीबन 20-25 आदमी आए थे। जब हमारी दूसरी बैठक हमारी हुई उधर नदीम कैफ़े पे, तो उसमें माशाल्लाह 32 बंदे आए थे। और अब जो इवेंट माशाल्लाह ये अरेंज किया, ये इसमें माशाल्लाह अभी तक 140 लोगों की एंट्री हो चुकी है। और माशाल्लाह इसका मतलब है कि फैसलाबाद में काफ़ी लव बर्ड के शौकीन हजरात लोग मौजूद हैं, और वो अपने आप को ज़ाहिर करने के लिए यहाँ आए कि हम भी लव बर्ड प्रमोट करने के लिए आए हैं सारे। और आप समझते हैं कि पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, माशाल्लाह ये आपके सामने ये देख लें कि एक कॉल के ऊपर माशाल्लाह कितना लोग फैसलाबाद का फैंसियर जमा हो गया है। अच्छा नाजरी, इसमें अहम चीज़ ये है कि ये इवेंट एक तरह से ना अमेरिकन सिस्टम के तहत ही हो रहा है कि हर बंदे ने 1000 रुपये एंट्री कराई है जमा। उसका मकसद ये था कि वो एक तो यहाँ पे डिनर होगा, डिनर इकट्ठे कर लिया जाएगा ताकि किसी बोझ बंदे पे बोझ ना पड़े, और दूसरा अरेंजमेंट के लिए 1000 रुपये हर बंदे ने लिया, और हर बंदे ने खुशी से दिया है और वो बड़े शौक से आए, और वो टाइम आ गया लोग मैक्सिमम, तो यानी कि आप बड़े एक्साइटेड हैं जो मैं देख रहा हूँ। नहीं जी माशाल्लाह, बाकी दोस्त बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ जी, और सबको खुशी हो रही है कि कारोबार ये फैसलाबाद में अच्छा बढ़ रहा है, गपशप लगा रहा है और अच्छे तरीके से सारा मामला कर रहा है। तो चलें, बहुत ठीक है, और दोस्त भी आए, थोड़ा टाइम लेना है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जैसा नाकिम जी, परिम साहब जी, क्या कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है। साहब भाई, आपसे मुलाकात करके बड़ी खुशी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे ग्रेट इवेंट में आप शामिल हैं और हमारे मेन ऑर्गेनाइजर में शामिल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी खुशी है, और वेल ऑर्गेनाइज, मज़ा आया देखे, हर चीज़ परफेक्ट, अल्लाह का शुक्र हुई है। तो ये कैसे कर लिया आपने, ये बड़े थोड़े टाइम में सेटिंग की है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं एक न्यू फैंसियर जिसको सिर्फ 4 महीने इस फील्ड में आए हुए हैं, उसको अल्लाह ने शुरू में ही एक ऐसी टीम दे दी, फिर ऐसी टीम में शामिल कर दिया, फिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया जिससे मुझे उम्मीद है कि जहाँ पे बाकी फैंसियर को जब पहुंचने में 3 या 4 साल लगे, मुझे लगता है शायद मैं वो 6 महीने का साल मिलता लग। ऐसे लग रहा है जैसे आप बहुत पुराने हों, हालांकि न्यू हैं, लेकिन लोग ऐसे आप जान रहे हैं जैसे माशाल्लाह इसी गुल में तो गए हैं। ये सिर्फ अल्लाह का कारण बंदा, जहाँ पे मैंने कहीं देखा साथ भाई कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मीन के वो आपकी कि इसमें बड़ी आपका हिस्सा है, अल्लाह का चीज़ पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अल्टीमेटली बड़े कामयाब, सक्सेसफुल माशाल्लाह ये इवेंट हो गया है, लोग अभी भी काफ़ी मौजूद हैं, कितना टाइम हो गया लेकिन लोग अभी भी हैं। और साथ में देखिए, इसमें जैसे हम कह रहे हैं 9/14/9/66, उसी सिलसिले में हर बंदे ने अपना अपनी कंट्रीब्यूशन देनी, बिल्कुल ऐसा ही है, अपने अपनी कंट्रीब्यूशन 1000 रुपया हर बंदे ने दिया, और हर बंदा देना चाह रहा था। कई दफ़ा फ्री इवेंट होते हैं, लोग नहीं जाते, हम जाते हैं, ये पेमेंट दे के पैसे दे के आ रहे हैं, और मतलब हम खुद बंद करें जो जगह हमारे पास इवेंट स्पेस थी, ऐसे हुआ है जनाब? बिल्कुल ऐसे हुआ है। असल में हमारे बदकिस्मती से इस तरह के इवेंट जो है सियासत का शिकार हो जाते हैं। हम लोगों ने इसको नो पॉलिटिक्स, नो चौधरी करके बंदे को ओनरशिप मिल गई, कहता मैं ओनर हूँ। जी सही, ओनरशिप मिली है और उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो बड़ा सक्सेसफुल मचा रहा है, बड़ा ही मतलब वेल ऑर्गेनाइज कह लें, अल्हम्दुलिल्लाह। और लोगों ने इन्जॉय किया, बैठे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, और क्वेश्चन आंसर हुए हैं, और तारफ हुआ है, मतलब हर लिहाज से कामयाब है माशाल्लाह। आप अगर देखें ना, जो हमारा पैनल बैठा क्वेश्चन आंसर का, उसमें जहाँ पुराने फैंसियर थे वहाँ पे नए फैंसियर भी ऐसे थे। अल्लाह ने जो है वो हमें इज्जत बख्शी कि हमने नए पुराने फैंसियर को इकट्ठा रख के चलाया। हाँ ऐसा ही है, ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। चले जी सर, आप मुबारक हो, बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया, मतलब आपको मजीद कामयाबी दे, आपके शौक को, हम सब के शौक को, मतलब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी। अच्छा भाई, आपको भी इवेंट में माशाल्लाह देखा है, बड़े एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर रहे थे, और कैसा इवेंट का आपने देखा, और क्या जी माशाल्लाह इनपुट क्या है आपका? जी आउटपुट क्या है? एक्चुअली कोशिश तो हम काफ़ी देर से कर रहे थे कि ऐसा हम गेट टुगेदर करें, दोस्तों को इकट्ठा करें, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ताला आज हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है दोस्तों की तरफ से, तो इंशाल्लाह ताला फर्दर आने वाले वक्त में और अच्छा रिस्पांस मिलेगा इंशाल्लाह ताला से। मतलब मैं ये देखता हूँ, बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन थोड़े हैं,
जो कि बड़े ही पॉजिटिव रहते हैं, हमेशा पॉजिटिव बात करते हैं, उनमें से माशाल्लाह आप भी हैं जी। तो हम ग्रुप से ग्रुपों में ऐड हैं, देखते हैं, और आप बड़ी हमेशा दिल के साथ बात करते हैं। अब यहाँ पे भी आप सारा ऑर्गेनाइजर में शामिल हैं, आपने साथ मिलके सारा किया है, आप मशवरे देते रहे, मैं सुनता रहा हूँ ग्रुप्स में, तो ये मिलजुल के जाने सारा एक पूरा एक प्लान बना है और फिर इसको वेल ऑर्गेनाइज किया गया अल्टीमेटली सब दोस्तों में मिलके। जी जी। और आप आज का ये सारा देख के क्या महसूस करते हैं, या क्या आप इससे महसूस करते हैं लोगों का शौक देखते हुए? देखिए अयूब साहब, को कोई राय देनी हो, गाइड करना हो? देखिए मेरी जो ऑब्जर्वेशन है ना, जो मेरा मतलब के समझाने का मतलब ये है कि हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। जब हम मिलजुल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे रिज़क में भी बरकत होगी, तो जो हमारे साथ काम कर रहा है उसके रिज़क में भी बरकत होगी, ठीक है। तो इत्तेफाक में बरकत है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अगर हमारे साथ हमारे सामने कोई गलत काम भी हो रहा है तो हम उसको पॉजिटिवली समझाएं अच्छे तरीके से, ना कि हम लड़ाई झगड़े के ऊपर आएँ, ठीक है ना, अपने कमेंट्स अच्छे रखें इंशाल्लाह ताला। जैसे आप लोगों ने मैंने रखा ही हमने ये सारा नो सियासत नो चौधरी नो चौधरी, बिल्कुल ऐसे बेहतरीन है, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। आप देखें यहाँ पर रहे हैं, हर बंदा पाठ साहब देख रहे हैं, मेरा ख्याल है एक मिनट के लिए नहीं बैठे होंगे, बल्कि वहाँ बैठने लगे, मैंने बैठे कहते हैं मैं बैठ गया तो बाकी बैठ जाएंगे, मतलब एक्टिव जी लोग, सारे लोग एक्टिव, जगह जगह अपना काम कर रहे हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है कोई उसको आंसर कर रहे हैं, हर बंदे को गाइड कर रहे हैं प्रॉपरली, कोई सारे बंदे बड़े बड़े खुश रहे हैं, मुतमिन रहे हैं। इस दोस्त फैसलाबाद के सराउंडिंग जो लोग काम कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है कौन कौन बैठा हुआ है कहाँ पे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना, उनके जो मसले मसाइल हैं, सेल परचेज के मसले हैं, उनको मेडिकेशन में कोई इशू आता है, ठीक है ना, तो उसके हल के लिए ये एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये प्लेटफॉर्म, मैं ये अपने तवसुल से ये कह रहा हूँ अपने सब दोस्तों को जो मुझे सुन रहे हैं, कि सबको मिल के काम करना चाहिए और सबको इसमें आना चाहिए, ठीक है ना। देखिए पहला हमारा गेट टुगेदर हुआ था, उसमें 30-32 लोग थे, और 150 के करीब दोस्त आए हैं, तो माशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिला है लोगों को, पॉजिटिव लोगों को पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है, तो लोग आए हैं। तो इंशाल्लाह ताला कोशिश हमारी यही है कि ऐसे ही अच्छे तरीके के साथ मोहब्बत के साथ आगे बढ़ें और दोस्तों को इसमें इकट्ठा करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैसा लगे कैसे हैं? ठीक ठाक है, बिल्कुल। चले आप इवेंट में मुझे मिले हैं जी, तो आप बताएं जरा कैसे आए हैं, किस आप इवेंट को कैसे दे रहे हैं, ये काफ़ी गेट टुगेदर है, काफ़ी सर जी मैं ना आपने क्या सोच के इसमें मसला एंट्री की है और आए हैं जिसमें? सर जी मैं तो ना कोई 3-4 साल पहले ना इस हॉबी आया सी, मेरा ना कपड़े का काम सी, दुकान है कपड़े की, तो कोरोना आ गया, लॉकडाउन हो गया, तो कारोबार सारे हो गए बंद। अच्छा। तो मैं सोच लग गया ये नाल ना कोई काम एक होर होना चाहिए, तो वो कम कोई भी जरा सोचते थे कि असं दुकानदार बंदे से साढ़े को टाइम नहीं दिता जाता, लेकिन फिर एक बंदा मैंने मिले उस्ताद से अपना वो ज़ियाद संडोगर साहब, तो उन्होंने बल्ब लगाए हुए थे, मैं देखे उन्होंने को देख के मैं उन्होंने को पूछा दसिया समझ आई इस गल की, तो मैं फिर ना कोई बल्ब उन्होंने को लैके आया। अल्लाह का शुक्र है 3-4 साल हो गए नवी तो नवी म्यूटेशन आ रही लगा रहे हैं और काफ़ी फायदा इस काम से। शुरू शुरू मैं 5 पेयर पाई लए थे जिन्होंने मेरे को एक पार बिलू का पेयर से नाल बिलू फिशली लगी हुई थी, तो 3 पेयर पर सनाटा से एक नटीलों का से, अब 3-4 साल बाद अलहमदुल्ला मेरे को बाइनो आ पार बिलू आ यूमिंग पार बिलू है पेल फैलो ने अपलाइन ने ग्रीन अपलाइन बिलू अपने पास नहीं लगाए। हाँ जी उस थोड़ी जी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हूँ यह है कि अल्लाह का शुक्र है कोई टेंशन नहीं, अपने ग्रीन कितने पेयर ने मेरे को अलहमदुल्ला 50 पेयर ने, देखिए 3-4 साल 50 पेयर हो गए माशाल्लाह। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਹੋਵੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਠਮਾਰੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਏ
लॉकडाउन के दिन थे, मसलन साहब थे, उन्होंने इसमें निशान नहीं हुए बल्कि ये लव बर्ड के काम शुरू कर लिया और उसमें मसला कामयाब हो गया।